पटना में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल पहले पटना जंक्शन के पास दूध मार्केट को तोड़ा गया, अब इनकम टैक्स गोलंबर के पास मौजूद फल मार्केट को हटाने की कवायद शुरू हो रही है। इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव इनकम टैक्स गोलंबर के फल मार्केट में पहुंचे, दुकानदारों से बात की। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं मिला है। वहीं तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वो गरीबों का शोषण कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो पहले दुकानदारों को जगह मुहैया करवाई जाए, तभी वो हटेंगे। आपको बता दें कि इस मार्केट का निर्माण लालू यादव ने करवाया था, अब उसे हटाने की तैयारी है। ये आए थे कि दुकान जो टूटने वाला है, जो टूटने के लिए पहले तो नोटिस सरकार को देनी चाहिए। जब मन में आता है दुकान तोड़ दे रहा, पूरे पटना का व्यवस्था यही है। दुकान तोड़ना आपकी जगह आप तोड़िए, उसके लिए मना नहीं है, बट कहीं पे जगह तो दीजिए हम लोग को। आप लोगों को नोटिस वगैरह मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। का उल्लंघन कर करके, नज़रअंदाज कर करके गरीबों के पेट पे लात मार रहा है और लगातार ऑर्गेनाइज चीजें हैं, सरकारी संपत्तियों को ही सरकार द्वारा तोड़ा जा रहा है और केवल बिना कोई आदेश के, केवल मौखिक आदेश पे।